हेलो दोस्तों, इसमें बात करने वाले हैं शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी जवान के पोस्टपोन होने के बारे में। क्या वजह रही इस मूवी के पोस्टपोन होने की, और साथ साथ में हम ये भी बात करेंगे इस मूवी में जुड़ी हुई अभिनेत्री निधि डोंगरियाल ने अपने इंटरव्यू में इस मूवी के बारे में क्या कहा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ साथ में दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, शाहरुख खान की मूवी जवान 2 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मीडिया खबरों की माने तो ये मूवी अब 2 जून को रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि इसके पीछे एक मेन वजह ये रही कि अभी तक रेड चिली एंटरटेनमेंट ने इस मूवी के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया है और ना ही कोई कंफर्मेशन दिया है कि ये 2 जून को ही रिलीज होगी। लेकिन मीडिया खबरों ने ये बताया है कि ये मूवी 2 जून को रिलीज नहीं होगी, ये 29 जून को रिलीज होगी। और ये भी निर्भर करता है, जब तक रेड चिली एंटरटेनमेंट ये कंफर्म नहीं करेगा कि 29 जून को रिलीज होने वाली है, तब तक इस बात की कोई भी पक्की मोहर नहीं है। तो शाहरुख खान का फैंस का तो दिल वैसे भी टूट चुका है दोस्तों, अब उन्हें इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाता। और दोस्तों, इससे मेन वजह ये बताई जा रही है इस मूवी के पोस्टपोन होने की कि इस मूवी के अंदर जो VFX का काम था उसमें काफी मल्टीनेशनल कंपनी काम कर रही थी, लेकिन रेगुलर इतना काम था कि रेड चिली एंटरटेनमेंट के वो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में थे, तो वो इस मूवी का अभी तक VFX पर काम खत्म नहीं हुआ है। इस पर अभी भी इतना काम है कि ये मूवी 2 जून या 29 जून को भी रिलीज नहीं हो सकती है। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इस मूवी का जो VFX का काम है वो चलता रहेगा, पर ये मूवी अगस्त के महीने में रिलीज होगी। लेकिन शाहरुख खान को ये समझना पड़ेगा कि अगस्त के महीने में ऑलरेडी 2 बड़ी मूवी शेड्यूल्ड है, जिसमें से एक है रणबीर कपूर की एनिमल और दूसरी है सनी देओल की गदर प्रेम कथा पार्ट 2। तो दोस्तों, शाहरुख खान का डिसीजन उन पर कहीं भारी ना पड़े, ना शाहरुख खान के फैंस जैसे चाहते हैं तो वैसा हम भी चाहते हैं कि ये मूवी अपने एज इट इज टाइम पर रिलीज हो 2 जून। लेकिन इस मूवी का बज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप 2023 की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी को सर्च करेंगे तो टॉप 5 मूवी में जवान टॉप पर आती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।